नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आपके साथ और प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए बड़ी ही रोचक कथा को लेकर आई हूँ। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा महाभारत के एक मुख्य पात्र से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है मामा शकुनी। मामा शकुनी को कौन नहीं जानता, पर आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर शकुनी कुरु वंश का विनाश क्यों चाहते थे और कौन थे शकुनी, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस कथा की ओर। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति ही रहे। वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करना पड़ा। तब उसने कुरु वंश से बदला लेने के लिए कुरु वंश की जड़ को खोदना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरु वंश को कुरुक्षेत्र में महारण में उतार ही दिया था। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में ही व्यतीत किया करते थे। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई, तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों पुत्रों के बीच गहरी खाई को खोदते ही चले गए। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था, और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई, और उसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली, तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध भूल ना जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात को याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगे। इस तरह की कथा भी शकुनी के संदर्भ में प्रचलित है। शकुनी के पास उनके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने कुछ चीज थी। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल थी और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया। इसको देखते ही मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवा के दिए। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। वो पासे कोई साधारण पासे नहीं थे, वो उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, और ये पासे फेंकने में तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीर हरण हुआ और अंत में महाभारत का महाभयानक युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे और कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार दिया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इनको नष्ट कर दो, ताकि किसी को ये पासे न मिल सके।
अर्जुन उधर से निकल रहे थे और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पांसों को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पांसों को फेंक दिया और कृष्ण जी को बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, अगर वे पांसे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पांसे किसी आम इंसान के हाथ में लग गए और परिणाम ये हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए सनातन ज्ञान मंथन में। धन्यवाद दोस्तों।